वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है? कोई ऐसा टेंस, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात जो कहाँ हो रही हो आपकी, जो फ्यूचर में भी जारी रहे, फ्यूचर में भी कंटीन्यूअस वे में रहे, वो कहलाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब पर। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन। आप शैल हैव बीन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ट्रेडिशनल ग्रामर के तौर पे यूज करना तो आप कर सकते हैं, वरना स्पीकिंग में इसका यूज नहीं करें तो चलेगा, और बल्कि चलता ही है। वैसे आप चाहें तो शैल हैव बीन का यूज कर सकते हैं। आई और वी के साथ होता है इसका यूज, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन का यूज होता है, लेकिन हम सभी में विल हैव बीन का यूज करेंगे। तो अब हम आते हैं आपका सिंपल सेंटेंस पर। तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे सिंपल इसका क्या होगा, किस तरह से पहचानना हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, जैसे कि वह 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा, वह 10 बजे से भोपाल से आ रहा होगा, रहा होगा, रही होंगे, लेकिन साथ में टाइम आएगा। और पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए किसका यूज करेंगे? सिंस का। पॉइंट ऑफ द टाइम क्या होता है? जैसे 5 बजे सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट ईयर, इस तरह का टाइम होता है पॉइंट ऑफ द टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? 2 घंटे से, 4 दिन से, आधे घंटे से, इस तरह का टाइम जो होगा वो आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसमें यूज करते हैं फॉर का। तो आते हैं सिंपल सेंटेंस पर। सबसे पहले इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो सीधा जैसे वह 2 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर, सॉरी इसमें 2 बजे से, इसलिए आपका सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, क्योंकि पॉइंट ऑफ द टाइम है। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। जैसे तुम पाँच बजे से पढ़ रहे होंगे, तो इसका क्या होगा? यू विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। अब इसके बाद जैसे हम अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले लें, जैसे कि ये हो जाएगा कि वो पाँच दिन से बाजार जा रहे होंगे, या वो पाँच दिन बाद बाजार जा रहे होंगे, इसका क्या होगा? जा रहे होंगे, इसका क्या होगा? वो तो दे विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर फाइव डेज, इस तरह से आपका होगा। तो ये आपके हो गए सिंपल सेंटेंस। अब आते हैं हम नेगेटिव पर। तो नेगेटिव में क्या होना है आपका? सीधा सा विल के बाद क्या लगनी है? नॉट लगनी है। तो इसमें ध्यान रखना है थोड़ा आपको फॉर्मूले का, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान रखना, विल आता है, फिर नॉट आता है, फिर हैव बीन आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे वह 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, तो इसका क्या होगा? ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। आया समझ में? तो इसमें सिंस का यूज किया हमने। सिंस का क्यों किया? क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ द टाइम है। तो ये आपका नेगेटिव था। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव पर। इंटरोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगी? बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ये चीज ध्यान रखना, पहले बिल फिर सब्जेक्ट फिर हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका होगा, जैसे क्वेश्चन करते हैं क्या वो 2 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा, क्या वो 2 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा, तो इसका क्या होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। जैसे मैच 5 बजे शुरू हो रहा होगा, मैच 5 बजे शुरू हो रहा होगा, तो 5 इसमें क्या हो जाएगा? क्या मैच 5 बजे शुरू हो रहा होगा, तो क्या होगा? विल मैच हैव बीन स्टार्टिंग सिंस 5 o'clock। इस तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फिनिश होता है। अब आपको देखना ये है कि इसमें सभी टेंस को आपको रिवाइज करना है, पूरे टेंस आपके फिनिश होते हैं इसी वीडियो के साथ, और सभी को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखें और फॉर्मूले का ध्यान रखें, आप अपने आप ही आराम से करते जाएंगे। और जो मैंने यूनिवर्सल लॉ आपको बताएं उनका भी आप बहुत ध्यान रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।